बाहर चल रही है जोरों की बारिश। पकौड़े बनाना तो है जरूरी। पतला पतला काटा हुआ प्याज लेंगे, 5 मिनट उबला हुआ आलू लेंगे, हरी मिर्च, हरा धनिया, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अजवाइन, हींग, चाट मसाला, कूटा हुआ अदरक और बेसन डालेंगे अच्छे से, और अच्छे से उसको मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले और बेसन आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पूरे पकौड़ों का घोल तैयार करेंगे। अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे और वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आपको क्रिस्पी भजिए बनाने हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद में तेल को गर्म कर लेंगे, उसके बाद में पकौड़े डाल देंगे और उसके बाद में जो गैस का फ्लेम है उसको धीमे कर देंगे। धीमी आँच पर पकौड़ों को थोड़ी देर पकने देंगे। उसके बाद में पकौड़ों को पलट पलट के थोड़ी देर तक और पकाएंगे, उसके बाद में उन्हें निकाल लेंगे। इस तरीके से क्रिस्पी वाले पकौड़े आसान तरीके से तैयार है। खाने में बहुत टेस्टी और क्रिस्पी और बनाने में बहुत ही आसान है।